उत्तर भारत में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम पिछले कई सालों की सर्दी के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और ठिठुरन की वजह से पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी है। और ठंड का आलम यह है कि श्रीनगर की डल झील पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बर्फ की परत इतनी मोटी और मजबूत है कि लोग न केवल उस पर चल रहे हैं बल्कि खेल तक रहे हैं। श्रीनगर में डल झील पिछले 10 दिनों से जमी है, लेकिन अब डल झील पर बर्फ की परत काफी मोटी हो चुकी है। झील में शिकारा यानी नाव चलाने वाले लोगों को चप्पू से पानी का रुख नहीं मोड़ना पड़ता, बल्कि पानी पर जमी बर्फ की परत को चप्पू से तोड़ना पड़ता है। बर्फ इतनी मजबूत है कि कई चोट मारने के बाद बर्फ की परत टूटती है। जहाँ जहाँ से झील गुजरा करती थी, वहाँ अब बड़ा मैदान दिखने लगा है। सर्दी के मौजूदा हाल से पहले तक यहाँ डल झील का पानी बहता हुआ दिखता था, लेकिन अब ना धूप निकल रही है और ना ही बर्फ पिघल रही है। ज्यादातर जगहों पर शिकारे डल के किनारे पर ही जमे हैं। डल झील के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहाँ बर्फ की परत बेहद मोटी है। डल जम गया है पूरी तरह से। हालत ये है कि बार बार डंडे मारने के बाद भी झील पर जमी बर्फ नहीं टूटती। मुश्किल तब ज्यादा होती है जब कोई नाव बर्फ के बीच फंस जाती है और चुनौती बर्फ तोड़कर रास्ता बनाने की हो, क्योंकि श्रीनगर में तापमान ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्दी की वजह से केवल झील ही नहीं जमी बल्कि लोगों के घर तक पहुंचने वाला पानी भी नलों में ही जम गया है। क्योंकि पिछले 28 साल में श्रीनगर ने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। श्रीनगर में बीती रात इस साल की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान -7.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की सर्दी की वजह से डल लेक पूरी तरह से जम गया है और अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी डल झील में कोहरा लगा हुआ है। ये है डल झील की सूरत हाल, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि अभी डल झील की सूरत हाल ये है। दोपहर का वक्त है और इतना कोहरा लगा हुआ है। श्रीनगर के ये हालात सैलानियों के लिए भले ही मुफीद हो, लेकिन खुद श्रीनगर के लोगों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे रनिंग वाटर जो है वो तक फ्रीज हो रहा है, और साथ ही नलों में पानी जो है वो भी रुक गया है, क्योंकि नल रात के दौरान फ्रीज हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो मौसम विभाग का अनुमान है, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि बर्फबारी का अभी एक दौर और शुरू होगा। लेकिन मौसम के ऐसे बर्फीले हालात केवल श्रीनगर के नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तीनों राज्यों में तापमान लगातार लुढ़क रहा है। मनाली में भी पारा शून्य से नीचे बना हुआ है। तापमान -5.4 रिकॉर्ड किया गया। चंबा की हालत कुछ बेहतर है, लेकिन तापमान यहाँ भी शून्य से नीचे है। शुक्रवार को चंबा में तापमान -0.9 रिकॉर्ड किया गया। कुल्लू में भी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तापमान -1.7 रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के सोलन में तापमान -1 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन खून जमा देने वाली ठंड का सामना भारत के उत्तरी छोर पर भी करना पड़ रहा है। लेह में तापमान -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसलिए ठंड ने लोगों की हालत खराब कर दी है। पहाड़ों के बीच बसे लेह से गुजरने वाली नदियां भी ठंड के आगे घुटने टेक चुकी हैं। नदी के पानी पर बर्फ जमी है। दिन में धूप निकलने पर ही नदी का पानी बहता हुआ दिखने लगता है। नदियों के किनारे पर बर्फ की मोटी परत जमी है। बाजारों में लोग जगह जगह अलाव जलाकर बैठे दिखते हैं। ऐसा ही हाल मनाली का भी है। मनाली में पहाड़ों की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। ठंड के तो रिकॉर्ड टूट ही रहे हैं, पर्यटन का काम भी वक्त से पहले ही जोर पकड़ चुका है। और पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में हो रहा है, जहां लोग सर्दी से ठिठुरन को मजबूर है। इसलिए सुबह के वक्त सैर पर निकलने वाले लोगों की गिनती भी कम हो गई। दिल्ली पर तो आफत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लोगों को ठंड और प्रदूषण के डबल टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर कल की बात की जाए तो कल यानी गुरुवार को ये 3.4 डिग्री था, जो कि इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह थी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिल्ली के तमाम रैन बसेरे पिछले कुछ दिनों से खचाखच भरे हैं। सड़कों पर ठंडी हवा बदन को काटने के अंदाज में चल रही है। इसलिए इतना तो तय है कि नए साल के मौके पर ठंडी हवाएं इस बार दिल्ली NCR के लोगों का जश्न खराब करने के मूड में दिख रही है। क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन और दिल्ली में मौसम का मिजाज खतरनाक रहने वाला है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग में तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। रविवार 30 दिसंबर को भी दिल्ली में मौसम लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर का एहसास करा सकता है, क्योंकि तापमान 3 डिग्री रहने का अनुमान है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी यानी नए साल के जश्न के मौके पर भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तापमान 4 डिग्री तक रहने का अनुमान है। तो वही मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि दिल्ली में इस दौरान शीतलहर चलेगी, यानी
ठंडी हवाएं दिल्ली के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देंगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि कोचिंग सेंटर में सीट पर बैठने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ था और कोचिंग खत्म होने के बाद कुछ छात्र सेंटर के बाहर खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी छात्रों का एक दूसरा गुट वहां पहले से मौजूद छात्रों के पास पहुंचकर झगड़ा करने लगा, जिसके कुछ देर बाद ही दोनों गुट आपस में टकरा गए और छात्रों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहीं कुछ छात्रों ने बेल्ट के जरिए दूसरी तरफ के लड़कों पर हमला बोल दिया। इस बीच वहां से कई गाड़ियां और लोग निकलते दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की और छात्र बीच सड़क पर ही मारपीट करते रहे। इस दौरान एक आदमी वहां पहुंचा और रहे छात्रों पर लाठी बरसाने लगा, लेकिन एक लड़के ने उसकी लाठी छीन ली और उसी से उसकी पिटाई करने लगा। मारपीट में कई छात्र घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान छात्रों ने बीच बचाव कराने पहुंचे एक सिपाही पर भी हमला किया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। गृह युद्ध की आग में बरसों से जल रहा सीरिया अब कुदरत की मार झेल रहा है। सीरिया के कई शहर बाढ़ की चपेट में आने से बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। सबसे बुरा हाल इदलिब के रिफ्यूजी कैंप का है, जहां शरणार्थी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। शरणार्थी शिविरों पर ये बाढ़ आफत बनकर आई है। कई कच्चे मकान इस बाढ़ के पानी में ढेर हो चुके हैं, तो कई कमजोर होकर गिरने की कगार पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कई मकान तो इस बाढ़ में बस डूबने को है। वहाँ लोगों को खुद एक दीवार को तोड़ते हुए देखा गया। पानी रुकने की वजह से वहाँ लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसलिए इस दीवार को तोड़कर बाढ़ के पानी को निकालने की कोशिश हुई। कुछ लोगों को तो दीवार पर चढ़कर बैठे हुए भी देखा गया। सीरिया के इदलिब में बाढ़ से चारों तरफ बर्बादी मची है, लेकिन शरणार्थियों को अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। इदलिब से लगे दूसरे शहरों में भी भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्री लखन घनघोरिया के स्वागत कार्यक्रम में मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए थे, लेकिन मंच पर क्षमता से ज्यादा लोगों के मौजूद होने की वजह से वो टूट गया, जिसकी वजह से मंच पर खड़े मंत्री लखन घनघोरिया गिरते गिरते बचे। कार्यकर्ताओं ने उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया था। घनघोरिया के वहां पहुंचने के दौरान समर्थकों के बीच उनको माला पहनाने की होड़ मच गई और कई लोग उनके साथ मंच पर चढ़ गए। इस बीच एक कार्यकर्ता उनसे गले मिलने लगा, तभी मंच टूट गया। हालांकि घनघोरिया ने खुद को गिरने से संभाल लिया और मंच के नीचे खड़े हो गए, लेकिन तभी मंच के दूसरी तरफ का हिस्सा भी टूट गया और वहां खड़े कई कार्यकर्ता कुर्सियों समेत नीचे गिर गए। हालांकि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और कार्यक्रम पहले की तरह ही चलता रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में दो परिवार के विवाद में पुलिस एक तोते को पकड़कर थाने ले आई। दोनों परिवार तोते पर अपना मालिकाना हक जताते हुए आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस तोते को अपने साथ थाने ले आई। थाने में एक पक्ष ने तोते से बात कर उसे अपना बताने की कोशिश की। लेकिन तोते पर दावा करने वाली दूसरे पक्ष की एक महिला पिंजरे को अपने साथ ले जाने लगी। पीछे पड़े हैं, ये मेरा तोता है, मेरा तोता है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। 3-4 साल पहले भी एक कुत्ते को बोला था ये मेरा कुत्ता है। थाने के अंदर दोनों परिवार काफी देर तक उस तोते पर अपना मालिकाना हक जताते रहे और जब उन्हें समझाने की कोशिश नाकाम हो गई तो पुलिस ने तोता उनसे ले लिया और तोते को वन विभाग के हवाले कर दिया। और देखकर तोते पर हक जताने वाले एक पक्ष में शामिल एक बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि किसी को नहीं मिलेगा, इसे उड़ा देंगे। वही दूसरे पक्ष की महिला ने दावा किया कि उन्होंने तोते को बोलना सिखाया, इसलिए लोग उसे लेने के लिए झूठा हक जता रहे हैं। जिसका भाई घर में है ये तो इसे खिलाया, उसी को तो दो। तुम्हारा उड़ गया, कहाँ उड़ गया, हम पाल रखे थे, तुम्हारा हो गया। हालांकि तोता वन विभाग को सौंप दिया गया और दावा किया गया कि वो उसे जंगल में छोड़ देंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब इस पुल का इस्तेमाल खतरनाक स्टंट के लिए होने लगा है। सोशल मीडिया पर इस स्टंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बोगी बील पुल पर बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया। उसने बाइक को पिछले वाले पहिए पर उठाया हुआ था और तेज रफ्तार में था। इस दौरान उसके आसपास से कई स्कूटर और गाड़ियां भी गुजरी जो हादसे का शिकार हो सकती थी। इससे पहले दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के बाद भी कुछ लड़कों ने वहां खतरनाक स्टंट किए थे, जिसके बाद पुलिस पर कई सवाल उठे थे।
भारत से हुए समझौतों के बाद अब रुपे कार्ड भूटान में भी लागू होगा। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक में कई समझौते हुए, जिसमें रुपे कार्ड को भूटान में लागू कराना भी शामिल है। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत 4,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 20 फीट से स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया। लोकसभा में 3 तलाक बिल के पास होने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के घर जाकर उन्हें मिठाई खिलाई। मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय जो हो रहा है, जो असमानता है ना, उसको दूर किया जा सके, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी पार्टियाँ इस बिल को राज्यसभा में पारित करने में सहयोग करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फिर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा लगातार दूसरी बार एक साल में 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले गेंदबाज बन गए। एक फर्जी आतंकी साजिश रचने के आरोप में घिरे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के बड़े भाई को गवाह को प्रभावित करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 15 दिनों से मेघालय में कोयले के खदान में फंसे 15 लोगों के रेस्क्यू के लिए नेवी की गोताखोरों की टीम आज मेघालय पहुंचेगी। भारतीय नौसेना ने अपने 15 सदस्यों की इस टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया है। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए इस टीम को ले जाया जाएगा। इससे पहले राहत बचाव के काम के लिए बड़े पंप मौके पर भेजे जा चुके हैं। कोल इंडिया समेत कई विभाग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन अभी तक खदान में फंसे लोगों को नहीं निकाला जा सका है। मुंबई में भीम आर्मी ने के लीडर चंद्रशेखर को नजरबंद किया है। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनको नजरबंद किया गया है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव हिंसा के 1 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में कोई वहां पर किसी भी तरह की पिछली साल की तरह कोई घटना ना हो, इसके चलते चंद्रशेखर की नजरबंदी की खबरें हैं, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले से इनकार किया है। मुंबई में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने एक ट्वीट कर दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनको नजरबंद किया है। सूत्रों के मुताबिक देर रात चंद्रशेखर को मुंबई पुलिस कई थानों में घुमाते हुए वापस एक होटल लेकर गई, जिसके बाद होटल के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा के बल के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला सहयोगी हमारे फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, क्या अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई इन आतंकियों को पकड़ने में? देखिए फरहा, अभी एनकाउंटर जारी है क्योंकि रात के दौरान ही ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। पहले ही खबर इस तरह की दी गई कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, क्योंकि फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था, फौरन कॉर्डन किया आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ ने। अभी रुक रुक के फायरिंग हो रही है क्योंकि पूरी तरह से अभी रोशनी नहीं आई है। जो ही अंधेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी, लेकिन लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, चाहे साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो। साउथ कश्मीर में परसों ही एक एनकाउंटर में तकरीबन 2-3 एनकाउंटर लगातार हुए, तकरीबन 15 मिलिटेंट मारे गए, और कल एक एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट मारा गया, और कल शाम को साउथ कश्मीर में एक जगह पे मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की, और सेंट्रल कश्मीर में भी एक जगह बडगाम में फायरिंग की, और उसमें कोई भी हताहत होने की किसी की खबर नहीं है। लेकिन एनकाउंटर्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि काफी ज्यादा शदीद सर्दी है, माइनस टेम्परेचर रात को होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करके इनकी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट के नए मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने सतना दौरे के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाते नजर आए। पटेल वहां अपने निजी दौरे पर पहुंचे थे।
लेकिन सरकारी अधिकारियों के स्वागत के लिए मौजूद नहीं होने पर उनका गुस्सा भड़क गया और वो अधिकारियों को सरकार बदल जाने की नसीहत देते हुए प्रोटोकॉल की याद दिलाने लगे। कान खोल के सुन ले, जो एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है और जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये बिल्कुल कान खोल के सुन। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मंत्री कमलेश्वर पटेल को लड्डुओं से तोला गया, लेकिन मंत्री कमलेश्वर का अधिकारियों के लिए गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने अधिकारियों को बीजेपी का एजेंट बता दिया। कुछ वर्षों में तो बिल्कुल झंडा लेके घूमने लगे थे, तो वो जब किसी पार्टी का एजेंट बन जाएंगे। मंत्री कमलेश्वर पटेल शारदा माता के दर्शन के लिए सतना पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 58 के सरकारी पार्क में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए पानी भर दिया गया। लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने वहां बिना इजाजत नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, जिसके बाद हालात संभालने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया, जिनके सामने ही नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी पूरे पार्क में पानी भरते नजर आए। दिन में जब नमाजी यहां पर आए थे तो यहां पर वैसे ही पाबंदी थी, पुलिस बल यहां पर तैनात था, जिसकी वजह से यहां पर किसी को भी प्रवेश नहीं की करने दिया गया। पाबंदी की वजह से नमाज पढ़ने वाले लोग नोएडा के सेक्टर 63 और सेक्टर 64 के सरकारी पार्क में जुटे और वहां शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई। इस मामले में प्रशासन ने दावा किया कि सरकारी पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक सिर्फ सेक्टर 58 के लिए थी। दूसरी सेक्टर्स का क्या सर? उसको लिंक अप करना ठीक नहीं है सर, मैंने लिमिटेड इशू सेक्टर 58 का। इससे पहले सेक्टर 58 में मौजूद कई कंपनियों को चिट्ठी भेजकर पुलिस ने उनसे अपने कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने से रोकने का आदेश दिया था। मुंबई में आग लगने की लगातार हो रही घटनाओं पर सियासत भी तेज हो गई है। मुंबई में पिछले 18 दिन में 10 अलग अलग जगहों पर लगी आग में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 लोग घायल हो चुके हैं। जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और बीएमसी पर काबिज, शिवसेना पर गेंद एक दूसरे पाले में डालने का आरोप लगाया। सत्ते में जो बैठे हैं अच्छे काम करते हैं, कोस्टल रोड का उद्घाटन किया, श्रेय लेके जा रहे, जब आग लगती है लोग मरते हैं उसका भी तो जवाबदारी लो। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसे मसलों पर राजनीति ना करने की नसीहत दे दी। मुझे लगता है कि शिवसेना और सारे पक्ष इस पक्ष में है कि मुंबई करों को बेहतर और सुरक्षित किया जाए। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते कब्जे और ताकत से एक बार फिर विवाद गहराने वाला है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चीन के इस करतूत पर एतराज जताते रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और दक्षिण चीन सागर में अपना किला मजबूत करता रहा। दक्षिण चीन सागर 35 लाख वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जिस पर चीन अपना दावा करता है, जबकि इस इलाके में पड़ने वाले दूसरे देश फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान इसके अलग अलग हिस्सों को अपना बताते हैं। लेकिन दक्षिण चीन सागर के आसपास के सभी देश चीन के मुकाबले काफी कमजोर हैं, जिसका फायदा उठाकर वहां तेजी से वो अपना पैर फैला रहा है। यही नहीं, चीन की चाल का पर्दाफाश सैटेलाइट की तस्वीरों से भी हुआ, जिसमें साफ दिखा कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने इस साल वहां न सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई बल्कि पूरा सैन्य अड्डा ही तैयार कर लिया। यही नहीं, उसने युद्धपोत मिसाइल और लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी तैनात कर दिया, जिसकी पुष्टि अमेरिका के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट से पहले ही हो चुका है। इससे पहले चीन ने 2017 में दक्षिण चीन सागर में नौसेना और वायुसेना के अड्डे बनाए थे, लेकिन अब वहां उसने हथियारों के साथ सैनिकों को भी तैनात कर दिया, जिससे अमेरिका के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सूबी रीफ, मिस्चीफ रीफ और फेरी क्रॉस रीफ पर लड़ाकू जहाज और मिसाइलों का बेड़ा तैनात किया है। वो बाकी सारों के राइट्स को नजरअंदाज कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक शक्ति और अपनी मस्कुलर मिलिट्री एग्रेसिवनेस के माध्यम से इस पूरे एरिया को कब्जा करना चाहता है। चीन की खतरनाक चाल का राज खुलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने सहयोगी देशों के लिए अपील जारी की। अमेरिका प्रशांत महासागर में अपने सहयोगी देशों से अपील करता है कि वो दक्षिण चीन सागर में अपना सैन्य दबदबा बढ़ाए और इस इलाके में युद्धपोत की गश्त तेज कर दे। चीन पर दबाव बनाने के लिए सभी सहयोगियों को एकजुट होना पड़ेगा। अमेरिका के इस बयान से ये साबित होता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन काफी मजबूत हो चुका है और अब अमेरिका को भी उसको रोकने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि कोचिंग सेंटर में सीट पर बैठने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ था।
और कोचिंग खत्म होने के बाद कुछ छात्र सेंटर के बाहर खड़े होकर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी छात्रों का एक दूसरा गुट वहां पहले से मौजूद छात्रों के पास पहुंचकर झगड़ा करने लगा, जिसके कुछ देर बाद ही दोनों गुट आपस में टकरा गए और छात्रों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहीं कुछ छात्रों ने बेल्ट के जरिए दूसरी तरफ के लड़कों पर हमला बोल दिया। इस बीच वहां से कई गाड़ियां और लोग निकलते दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की और छात्र बीच सड़क पर ही मारपीट करते रहे। इस दौरान एक आदमी वहां पहुंचा और लड़ रहे छात्रों पर लाठी बरसाने लगा, लेकिन एक लड़के ने उसकी लाठी छीन ली और उसी से उसकी पिटाई करने लगा। मारपीट में कई छात्र घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान छात्रों ने बीच बचाव कराने पहुंचे एक सिपाही पर भी हमला किया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए अब बंद बोतल में सोलर एनर्जी मिलेगी, ये दावा स्वीडन में एक वैज्ञानिकों ने किया। News18.com की खबर के मुताबिक स्वीडन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिसकी मदद से सूरज की रोशनी नहीं होने पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा को इकट्ठा कर एक तरह का लिक्विड बनाने का दावा किया। सौर ऊर्जा की मदद से बनाए गए इस लिक्विड को सोलर थर्मल फ्यूल नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि सोलर थर्मल फ्यूल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बताया ये भी गया कि सोलर थर्मल फ्यूल जो है वो एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसे दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है और इसको रिचार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सूरज की रोशनी में रख कर ही इसे चार्ज किया जा सकेगा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी की क्लस्टर बस ने करीब 12 गाड़ियों में टक्कर मार दी। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि बस का ड्राइवर नशे में था, जिसके बाद बेकाबू बस ने सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, कई बाइक सड़क पर ही गिर गईं और लोगों का सामान भी सड़क पर बिखर गया। बताया गया कि ड्राइवर नशे में था और बस की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग अपने मोबाइल फोन से हादसे का वीडियो बनाने लगे, जबकि कई लोग अपनी गाड़ियों में हुए नुकसान को देखने में मशगूल रहे। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे में था काफी। अच्छा, और इसकी वजह से 10-15 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, 3-4 घायल हैं। वहीं डीटीसी बस के ड्राइवर को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रशांत नट नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि प्रशांत ने ही इंस्पेक्टर को हिंसा के दौरान गोली मारी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ग्रेटर नोएडा के दनकौर से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। फिर मुख्य आरोपी प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया गया। विस्तृत पूछताछ में उसने इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और ये भी स्वीकार किया है कि गोली उसने चलाई थी। पुलिस का दावा है कि बुलंदशहर में भड़की हिंसा के दौरान मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर सुबोध से प्रशांत नट और उसके साथियों की जमकर झड़प हुई थी। इस दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध पर पत्थरों से भी हमला किया था। पुलिस ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें प्रशांत अपने साथियों के साथ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार से झगड़ता हुआ दिखा, लेकिन प्रशांत ने सभी आरोपों को गलत बताया। प्रशांत ने गोली मारी है, नहीं मारी। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रशांत नट को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल अब भी पुलिस को नहीं मिली है। जबकि पुलिस का दावा है कि प्रशांत नट ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन अब प्रशांत का परिवार पुलिस के दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस के आरोपों को गलत बताते हुए उसे प्रशांत को फंसाने की साजिश करार दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत ने उसको गोली मारी। प्रशांत ने कोई गोली नहीं मारी है, उसको तो निर्दोष फंसाया जा रहा है, पुलिस उसको फंसाने की कर रही है। वही पुलिस की गिरफ्त में आए प्रशांत नट के पिता ने भी पुलिस के आरोपों को गलत बताया। कोई आपराधिक तत्व कोई दिल्ली से यहाँ से कोई उसका कोई आज तक कोई मेरे परिवार का भाई क्या चाहता हूँ मेरे माँ बाप अभी तक 3-4 पीढ़ी तक मेरा कोई। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गौ हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ के हमले में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के एक लड़के की मौत हो गई थी। बुलंदशहर में हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में एक चश्मदीद भी अब सामने आया, जिसने दावा किया कि इंस्पेक्टर सुबोध को गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रशांत नट ने ही गोली मारी। कोतवाल साहब ने सुमित को गोली मार दी थी। सुमित मौके पर वहीं गिर गया। प्रशांत ने दोनों हाथों से गोली भर ली। गोली भरने के बाद में पब्लिक एकदम टूट पड़ी। पब्लिक ने वो पत्थर और जिन लट्ठों से उन्हें मारा। मारने के बाद में वे जब ही नीचे गिर गए थे, इनने प्रशांत ने छीन करके लीवार पर उसके गोली मार दी। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ,
कि अब इस पुल का इस्तेमाल खतरनाक स्टंट के लिए होने लगा है। सोशल मीडिया पर स्टंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बोगी बिल पुल पर बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया। उसने बाइक को पिछले वाले पहिए पर उठाया हुआ था और तेज रफ्तार में था। इस दौरान उसके आसपास से कई स्कूटर और गाड़ियां भी गुजरी, जो हादसे का शिकार हो सकती थी। इससे पहले दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के बाद भी कुछ लड़कों ने वहां खतरनाक स्टंट किए थे, जिसके बाद पुलिस पर कई सवाल उठे थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दशकों तक रहा मनमुटाव अब कम होने लगा है। करीब 11 साल बाद दक्षिण कोरिया की एक ट्रेन उत्तर कोरिया पहुंची। ये ट्रेन वहां के सियोल रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जिसमें 28 लोग सवार थे, जिनकी अगुवाई दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्री ने की। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। ये ट्रेन सियोल रेलवे स्टेशन से निकली, जिसे उत्तर कोरिया के पनमुन रेलवे स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई, उसमें सवार अधिकारियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। करीब 2 घंटे के सफर के बाद ये ट्रेन उत्तर कोरिया पहुंच गई। 11 साल बाद ऐसा हुआ जब दक्षिण कोरिया से कोई ट्रेन उत्तर कोरिया पहुंची। ट्रेन से उतरते वक्त दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्री ने हाथ खिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। उनके साथ कई अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे, जिन्होंने उत्तर कोरिया के पनमुन रेलवे स्टेशन पर ही आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दोनों देशों के बीच रेलवे और रोड प्रोजेक्ट शुरू करने से जुड़ा था, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्री ने रेल की पटरियों को जोड़ने वाले हिस्सों पर दस्तखत किए। इसके बाद उन्होंने हाथ भी मिलाए, जिस पर दोनों देशों के शहरों के नाम लिखे हुए थे। इस कार्यक्रम में रेल की पटरियों को भी कसा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुई रेल सेवा को दुनिया के सामने रखा जा सके, क्योंकि दक्षिण कोरिया की ट्रेन का उत्तर कोरिया पहुंचना किसी करिश्मे से कम नहीं। दोनों देशों के बीच जैसी तनातनी थी, उसे देखते हुए रास्ते खुलने की उम्मीद कम थी। लेकिन इसी साल जून में दोनों देशों के नेताओं ने सीमा को रेलवे और सड़कों से जोड़ने के लिए सहमति दी थी और दोस्ती के रास्ते तभी से खुलने लगे थे। दक्षिण कोरिया की ट्रेन के उत्तर कोरिया पहुंचने के कई मायने हैं, क्योंकि इससे पहले आखिर बार 2007 में दक्षिण कोरिया से ट्रेन उत्तर कोरिया पहुंची थी। लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्तों में और खटास आ गई, जो अब दोस्ती में धीरे धीरे बदलती दिख रही है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि कई मुद्दों पर अभी भी दोनों देशों में मतभेद है, जिसकी एक वजह अमेरिका भी है, क्योंकि उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका का करीबी माना जाता है। हालांकि सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच भी मतभेद खत्म होने लगे हैं, जो कोरियाई देशों के लिए अच्छी खबर है। अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी नई फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को अपनी जिंदगी का बेहतरीन रोल बताया है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित इस फिल्म पर बढ़ते विवाद के चलते पीछे नहीं हटेंगे। इस फिल्म में पूर्व पीएम का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर ने कहा कि मनमोहन सिंह का किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण था। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बोलने की आजादी उन्हें भी है। उन्होंने दावा किया कि मनमोहन सिंह पर बनी इस फिल्म के बाद वो उनके फैन हो गए हैं। 11 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर ट्रेलर लॉन्च होते ही विवाद खड़ा हो गया है। मनमोहन सिंह जो है वो ज्यादा भाव व्यक्त नहीं करते हैं। उनका रोष, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी खुशी, उनका हास्य जो है मोस्टली एक ही एक्सप्रेशन में आता है, तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग था। आई हैव नेवर वर्कड इन माई 35 ईयर्स ऑफ करियर एंड 515 फिल्म्स। मैंने कभी इतना काम किसी रोल पर नहीं किया है। किसी के बाप की बपौती थोड़ा है कि वो क्या डिसाइड करेंगे मेरे बारे में। बोलने दीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उनका वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो जिन्होंने भी ये बात कही ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बोलना कि प्रोपोगंडा है और अनुपम खेर। और मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं जो काम करूं, जो बोलना चाहूं वो बोल सकता हूं। यही इस देश की खासियत है। इस देश में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, आप सेना को गाली दे सकते हैं, और दैट इज़ वाई दिस कंट्री इज़ ग्रेट। दैट्स वाई यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही कमाल की है, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे भी हिस्ट्री में उनका नाम अच्छी तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो अमर होने वाले हैं। इस फिल्म में जो उनका पोर्ट्रेल है, सब दुनिया को उनसे प्यार होने वाला है, बिकॉज सिनेमा का यही मैजिक है। व्हेन यू शो अ मैन हु इज़ वीक, हु इज़ लोनली, हु इज़ हर्टफुल, हु इज़ बींग कंट्रोल्ड, तो इट देयर इज एन अमेजिंग मैजिक इट क्रिएट्स। वहीं मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म के ट्रेलर के बहाने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। सिद्धू ने लिखा कि इतिहास उन्हें दुनिया के एक
महान अर्थशास्त्री के तौर पर याद रखेगा। सरदार असरदार बीजेपी खबरदार, बीजेपी जितना उनकी आलोचना करेगी उनका कद उतना ही बड़ा होगा और 2019 लोकसभा चुनावों में आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। ये बीजेपी स्पॉन्सर पिक्चर है और इसमें बीजेपी के पेड़ लोग जो हैं, जिसमें अनुपम खेर हैं, अशोक सेठ हैं और विनोद खन्ना का बेटा है, ये तमाम बीजेपी के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने की कोशिश की है और मेरे द्वारा स्क्रिप्ट जो है एक महीने में कंप्लीट हो रही है। उस पिक्चर का नाम है थैंकू प्राइम मिनिस्टर। थैंकू प्राइम मिनिस्टर पिक्चर 4 महीने के अंदर बनकर कंप्लीट होगी और इसको बड़ी जल्दी रिलीज करने जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर एक ऑटो रिक्शा पलट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ 8 ऑटो में बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। हादसे से ठीक पहले एक दूसरा ऑटो और एक साइकिल सवार वहां से गुजरा, लेकिन इनके ठीक पीछे बच्चों को स्कूल ले जा रहा ऑटो रिक्शा अचानक पहले एक तरफ झुका, जिसकी वजह से एक बच्चा ऑटो से बाहर लटक गया और फिर देखते ही देखते ऑटो भी पलट गया। ऑटो के पलटते ही आसपास के लोग फौरन दौड़कर वहां पहुंचे और ऑटो को उठाया। इसके बाद घायल बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 4 बच्चे घायल हो गए। हादसे में मारे गए बच्चों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा चालक ने अचानक अगली ब्रेक लगाई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश में आईएस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले में एक 35 साल की महिला का नाम सामने आया है। बताया गया कि अबू धाबी में एक चार्टर्ड एयरलाइंस कंपनी में काम करने वाली महिला 27 अक्टूबर को लखनऊ पहुंची थी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट के साथ यूएई का पासपोर्ट भी पाया गया था। एनआईए को शक है कि महिला आतंकी संगठन तक पैसा पहुंचाती थी। जानकारी के मुताबिक महिला भारत आने से पहले पाकिस्तान भी गई थी। नीतीश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। नीतीश, बेहद अहम जानकारी है, आखिर किस तरह पता चला इस महिला के बारे में और अभी इस वक्त ये कहाँ है, क्या कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, ये मामला जो है 2 महीने पहले का है। 27 अक्टूबर 2018 को ये महिला यूएई से सीधे लखनऊ आई थी और वहाँ पर लखनऊ में करीब 4-5 दिन रहने के बाद ये महिला कहाँ है इस वक्त उसका कोई पता नहीं है। एनआईए जो है जांच के दौरान तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एनआईए को ये पता चला है कि ये महिला, इस महिला के पास काफी पैसे थे, जिसमें कि 3 लाख जो पाकिस्तानी करेंसी भी थे डॉलर के साथ। तो एनआईए को ये शक है कि ये महिला जो है अबू धाबी से भारत आने के पहले पाकिस्तान गई होगी और वहां से ये फंड इकट्ठा करने के बाद भारत आई थी। तो एनआईए इसको एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर देख रही है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन जो नया आईएसआईएस का मॉड्यूल है हरकतुल हर्ब ए इस्लाम, उसकी जो है फंड रेजर या फंड ऑर्गेनाइजर भी हो सकती है। ये महिला एक चार्टर्ड एयरलाइंस के साथ काम करती है और ये जो है कुछ दिनों पहले इजिप्ट भी गई थी, इस बात की जानकारी जो है एनआईए को लगी है। इसके अलावा फरा, मैं आपको बता दूं कि एनआईए को हैंडलर का भी पता चल गया है कि वो कौन सा हैंडलर था जो इन यूथ को रेडिकलाइज कर रहा था। उसका नाम अबू मलिक पेशावरी है। उसका लोकेशन क्या है, फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है कि क्या वो अफगानिस्तान से या फिर सीरिया से यूथ को जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा था या रेडिकलाइज कर रहा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दे दी है और इसी साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि भारत इंसानों को स्पेस में भेजने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत देश के 3 लोगों को कम से कम 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। मानव रहित स्पेस क्राफ्ट यानी ऐसे विमान जिसमें इंसान ना हो, ऐसे विमान तो दुनिया में कई देश अंतरिक्ष में भेज चुके हैं, लेकिन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले विमान दुनिया के केवल 3 देश इसे भेज पाए हैं। ऐसा करने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन का नाम है। भारत इन देशों की सूची में 4th मुल्क हो जाएगा। 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद इन यात्रियों को अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में एक खास तरह के कैप्सूल की मदद से उतारा जाएगा। इस तरह के कैप्सूल को क्रू स्पेस मॉड्यूल भी कहा जाता है, जिसे इसरो ने हाल ही में खुद तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। गगनयान प्रोजेक्ट पर कुल 10,000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष में जाने वाले 3 नागरिकों के चयन का काम इसरो ने शुरू भी कर दिया है, इसलिए लोगों के शरीर पर कई तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। अलग अलग तापमान के अलावा अलग अलग दबाव के हालत को भी देखने में इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। तेजस्वी यादव आज अस्पताल में अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करेंगे।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची के रिम्स अस्पताल में लालू यादव से मुलाकात करेंगे, जिसमें महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर इमारत बनाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बिहार के गया में कुछ लोगों ने बारात की एक खाली गाड़ी में आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने वाराणसी दौरे में एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे और फिर गाजीपुर भी जाएंगे। नीतीश कुमार के करीबी निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के कांग्रेस से लड़ने के ऐलान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें महागठबंधन में शामिल किए जाने से इनकार कर दिया। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को टीवी चैनल चुनने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस लागू करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 10 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर जहां सरकार ने NIA की तारीफ की, वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। आरोप है कि ISIS के संदिग्ध आतंकियों की योजना कई अहम जगहों पर धमाका करने की थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर गृह राज्य मंत्री ने NIA की पीठ थपथपाते हुए क्रेडिट मोदी सरकार को दिया। अन्य ठिकानों में पहले जैसे होते थे, अब मोदी जी के सरकार में बिल्कुल ऐसा घटना नहीं होने का कारण ये है कि हमारा सुरक्षा के जो एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सब लोग पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म लाए हैं अपने काम में। वहीं गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला करने से नहीं चुकी। अब चुनाव सर पर है, अभी बहुत सी चीजें होंगी। कहाँ था इनका खुफिया तंत्र? इतने दिन से अगर चल रहा था तो कहाँ खामोशी के साथ बैठे थे? मुझे तो लगता है ये खुफिया तंत्र आपका कमजोर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यूपी और दिल्ली से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी और उनसे बरामद सामान को लेकर NIA पर सवाल उठाए। मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि पुख्ता सबूत के बिना संदिग्धों को आतंकवादी घोषित करना और उन्हें ISIS से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना था। 26 दिसंबर को NIA ने IS मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी का पर्दाफाश करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का कहना था कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में राजनेताओं और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमले और बम धमाके करने की साजिश कर रहे थे। महबूबा के ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है और BJP ने महबूबा पर आतंकवादियों को समर्थन का आरोप लगा दिया है। महबूबा ने INA पर सवाल उठाते हुए लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय सर्वोपरि है, लेकिन संदिग्धों को सुतली बम के आधार पर आतंकी और IS से जुड़ा बताने का दावा अतार्किक है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में छापेमारी के समय पर सवाल उठाते हुए लिखा, अरबन नक्सल केस के बाद फिर चुनावी समय में NIA के द्वारा की गई गिरफ्तारी अब शक के घेरे में है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एजेंसी को किसी एक समुदाय के प्रति संदेह से नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रति समावेशी रूप से सोचना चाहिए। The NIA should stop functioning simply because elections are around the corner. B, NIA is an independent body. It does not take its commands or dictates from the government. If somebody is saying so, possibly they are talking out of a conditioned mindset which happened during nearly 50 years of the Congress rule and the rule of Congress and its allies, when all these constitutional institutions, be it महबूबा जी को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, और समय समय पर जो भी लोग पकड़े जाते हैं वो कश्मीर में जो वो पाकिस्तान सपोर्टेड हैं, और इनको सपोर्ट करना बड़ी गलत बात है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो NIA के माध्यम से जो भी काम कश्मीर में हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग जो इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाना, NIA की मैं प्रशंसा करता हूं। जयपुर में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। बताया गया कि बीकानेर के रहने वाले इस मरीज को ब्रेन ट्यूमर था, जिसे निकालने के लिए उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। इस दौरान डॉक्टरों ने एक प्रक्रिया के तहत मरीज को पूरी तरह बेहोश नहीं किया और लगातार उसे कुछ बोलते रहने के लिए कहा। डॉक्टरों के इस निर्देश पर ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज ने पूरे ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ी।
सर्जरी के दौरान मरीज के सिर का एक हिस्सा कपड़े से ढका हुआ था, जबकि दूसरे हिस्से में डॉक्टर ट्यूमर का इलाज कर रहे थे। इस पेशेंट के लेफ्ट साइड में ही और ऐसी जगह पे ट्यूमर था जहाँ से स्पीच कंट्रोल होती है। तो मरीज ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, शक्ति लेते हुए, बल्कि एक आस्था के साथ ऑपरेशन करवाया है। इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मरीज के मुंह पर ढके कपड़े को उठाकर उसका हौसला बढ़ाते भी नजर आए। आँख खोलो, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टरों के इस कदम की वजह से 3 घंटे तक चले ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। हालांकि मरीज के सिर के जिस हिस्से में ब्रेन ट्यूमर था वहां से आवाज कंट्रोल होती है, यानी कि डॉक्टरों को सर्जरी के दौरान मरीज की आवाज को कंट्रोल करने वाली नस के कटने का खतरा था, इसलिए डॉक्टरों ने अवेक क्रेनियोटमी टेक्निक के जरिए सर्जरी करने का फैसला लिया। इस सर्जरी की खास बात यह है कि इसमें मरीज को पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता और सर्जरी के दौरान मरीज को लगातार बोलना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टरों को मरीज की आवाज से सर्जरी के सही दिशा में होने का पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी और गाजीपुर दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 275 करोड़ की 29 योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और दूरसंचार विभाग की पेंशन स्कीम की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी करने के साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी और गाजीपुर दौरे पर हैं, जहां पर लोगों से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे और उसके साथ साथ वहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। तुर्की के वैन में एक कुत्ता ठंड में बर्फ हो चुकी एक झील में फंस गया। जब उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो एक पुलिस वाले ने इस जम चुकी झील में उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, जो जान पर खतरा लेने जैसा था, क्योंकि झील ठंड में जम चुकी थी। उसमें फंसा कुत्ता भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। ये भी नहीं पता था कि वो कुत्ता मर गया है या जिंदा है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना एक पुलिस वाला बर्फ हो चुकी इस झील में कूद गया। वो तैरते हुए कुछ ही पल में कुत्ते के नजदीक पहुंच गया। उसने अपने हाथों से बर्फीली झील के एक हिस्से को तोड़ा और कुत्ते को उठा लिया। इसके बाद वो उसे गोद में लेकर तैरते हुए सुरक्षित वापस भी आ गया, लेकिन इस दौरान कुत्ता कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहाँ बचाव दल के कुछ लोग थे जिन्होंने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसे बचा लिया गया और उसकी जान भी खतरे से बाहर बताई गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने कुत्ते की जान बचाने वाले पुलिस वाले को धन्यवाद दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर LGBT यानी लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये लोग वहाँ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल का विरोध करने पहुँचे थे, जिसके बाद LGBT समुदाय के लोगों ने केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को मुश्किल बढ़ाने वाला बताया, साथ ही सरकार पर LGBT समुदाय से जुड़े लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। हमको कौन सा काम दिलाया ये गवर्नमेंट ने, क्या किया हमको? हमने को कुछ रास्ता बना के फिर कानून लेकर आना था, हमको कानून लेकर आने के बाद रास्ता दिखाने में से क्या है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भी LGBT समुदाय से जुड़े लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ट्रांसजेंडर बिल के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल को खतरनाक बताते हुए फिर से मसौदा तैयार करने की मांग की। लोकसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद अब सरकार के सामने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास कराने के सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस बिल को सरकार की चुनावी चाल करार देते हुए सीधे PM पर हमला किया। ये सिर्फ एक मकसद है इनका कि मुस्लिम समाज को अपमानित करें, और इस देश में एक सेक्शन है जो मुस्लिम समाज को अपमानित करने से खुश होता है, उसका वोट ले। बस यही राजनीति है नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की, ये 3 तलाक कानून बिल लाने के पीछे। तो वहीं RJD ने भी सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में बिल पर चर्चा करवाने की मांग की। राज्यसभा में हम व्यापक बहस चाहेंगे, बगैर बहस के माई वे और हाईवे वाले अप्रोच से आप अगर चलेंगे ना, आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, संजीदगियों का नुकसान कर रहे हैं, उन संवेदनाओं का नुकसान कर रहे हैं जिनके नाम से हम चाहते हैं किस तरह के लैंगिक समता की चीजों पर बहस हो।
लेकिन विपक्ष के आक्रामक तेवर के बावजूद सरकार ने नर्म रुख अख्तियार करते हुए राज्यसभा में भी बिल पास होने की उम्मीद जताई। जो कमियां खामियां रह जाते हैं उनको राज्यसभा पूर्ण करने का काम करती है। राज्यसभा के सभी सदस्य इसको गंभीरता से लेंगे और मुझे आशा है कि राज्यसभा में बिल पारित होगा। तीन तलाक बिल पर सरकार की मुश्किल कम नहीं हुई है, क्योंकि चर्चा है कि राज्यसभा में कांग्रेस पूरी ताकत से बिल का विरोध करेगी और लोकसभा की तरह सदन से वॉकआउट नहीं करेगी, क्योंकि वॉकआउट करने से सदन में विपक्ष के एमपी घट जाएंगे, जिससे सरकार राज्यसभा में बिल पास करा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है और एनडीए के 86 एमपी हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के करीब 97 एमपी बिल के विरोध में हैं, जबकि वो पार्टियां जिनका रुख अभी तय नहीं है उनके कुल 28 एमपी राज्यसभा में हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्री लखन घनघोरिया के स्वागत कार्यक्रम में मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए थे, लेकिन मंच पर क्षमता से ज्यादा लोगों के मौजूद होने की वजह से वो टूट गया, जिसकी वजह से मंच पर खड़े मंत्री लखन घनघोरिया गिरते गिरते बचे। कार्यकर्ताओं ने उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया था। घनघोरिया के वहां पहुंचने के दौरान समर्थकों के बीच उनको माला पहनाने की होड़ मच गई और कई लोग उनके साथ मंच पर चढ़ गए। इस बीच एक कार्यकर्ता उनसे गले मिलने लगा, तभी मंच टूट गया। हालांकि घनघोरिया ने खुद को गिरने से संभाल लिया और मंच के नीचे खड़े हो गए, लेकिन तभी मंच के दूसरी तरफ का हिस्सा भी टूट गया और वहां खड़े कई कार्यकर्ता कुर्सियों समेत नीचे गिर गए। हालांकि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और कार्यक्रम पहले की तरह ही चलता रहा। निरंजनी अखाड़ा देश का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा होने के साथ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अखाड़ा भी है। News18.com की खबर के मुताबिक शैव परंपरा को मानने वाले निरंजनी अखाड़े में करीब 10,000 साधु संत हैं, जिनमें करीब 70% साधु संत पढ़े लिखे हैं। इनमें कुछ तो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कानून के जानकार हैं, संस्कृत और विद्वान और आचार्य भी हैं। यहाँ तक कि निरंजनी अखाड़े के संत आनंदगिरी, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम शिलोंग में लेक्चर तक दे चुके हैं। उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास की हुई है और वो अब बनारस से पीएचडी कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के साधु संत जितनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं उतनी अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं। हालांकि किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बल्कि वैराग्य और संन्यास भाव के आधार पर आदमी महामंडलेश्वर बनता है। दिल्ली में चोरों ने खिलाड़ियों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में तीन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ियों की कार का शीशा तोड़कर चोरों ने 200 कारतूस समेत मेडल और पैसों पर हाथ साफ कर दिया। राजस्थान के कोटा में स्कूटी पर जा रही एक महिला की चेन छीन ली गई, जिस दौरान वो सड़क पर गिरकर घायल हो गई। यूपी के बहराइच में फर्जी आरटीओ बनाकर अवैध वसूली कर रहे तीन लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। यूपी के बरेली में बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ में लूट, डकैती और चोरी की कई वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में राशन के कोटे को लेने की रंजिश की वजह से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम इशफाक यूसुफ वानी बताया गया, जो एमबीए का छात्र था, जिसकी कुछ आतंकियों के साथ छिपे होने की जानकारी मिलते ही सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और छानबीन करने लगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवान आगे बढ़कर अपनी पोजीशन लेते नजर आए, वहीं कुछ जवान पेड़ की आड़ लेकर निशाना साधे खड़े दिखाई दिए। इसके बाद हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी इशफाक यूसुफ वानी मारा गया, जबकि उसके साथ मौजूद 2 से 3 आतंकी भागने में कामयाब रहे। बताया गया कि इशफाक यूनुस वानी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और हिजबुल मुजाहिदीन से पहले वो लश्कर-ए-तैयबा में शामिल था।